करीबन 2010 से लेकर 2018 के बीच में यूरोप में 19,450 साइकिलिस्ट की जान रोड एक्सीडेंट में चली गई, क्योंकि साइकिल में ज़्यादा इंडिकेशन मौजूद नहीं होते कि बंदा किस तरफ को मुड़ रहा है, आगे वो ब्रेक मार रहा है, कोई खड्डा आ गया, कुछ पत्थर आ गया जिसकी वजह से उसने ब्रेक मारी। अब कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर वगैरह में तो ये सारी चीज़ें मौजूद होती है कि ब्रेक मारी तुरंत ही लाल लाइट जल जाती है कि पता लग जाता है कि भैया इसने ब्रेक मारी है। इंडिकेटर मौजूद होता है कि ये इस तरफ मुड़ रहा है। तो ये सारे फीचर ज़्यादातर साइकिल में मौजूद नहीं होते जिसकी वजह से दुनिया भर में साइकिलिस्ट की जान रोड एक्सीडेंट में चली जाती है। जिसकी वजह से फोर्ड ने एक प्रोटोटाइप जैकेट डिजाइन करी है जो कि सिर्फ साइकिलिस्ट के लिए, हालांकि क्या पता किसी और मोटर व्हीकल में भी लगाई जा सकती है, लेकिन इस जैकेट की खासियत यह है कि इसमें इमोजीज मौजूद हैं जो बताते हैं कि आगे सिचुएशन क्या है, बंदे ने ब्रेक मारी है, बंदा लेफ्ट मुड़ने वाला है, राइट मुड़ने वाला है। तो ये सारा जो कंट्रोल है साइकिल के हैंडल पे आगे ही लग जाया करेगा, जिसकी वजह से ये जैकेट डायरेक्ट उससे कम्युनिकेट करने के बाद में बता दिया करेगी इमोजीज के सहारे कि बंदा किस मूड में है, क्या करने वाला है। सो फिलहाल के लिए इसी तरीके की और भी अपडेट के लिए बने रहो। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है कि किसी बड़ी कंपनी का सीईओ डायरेक्टली ट्विटर के ऊपर ही बंदे रिक्रूट करने शुरू कर दे। एलन मस्क ने ऐसा किया जो कि बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ हैं, चाहे स्पेसएक्स हो जाए, टेस्ला हो जाए या फिर इसी तरीके की कई और कंपनी हो जाए। तो उन्होंने कहा है ट्विटर के ऊपर कि वो हायर कर रहे हैं कई सारे प्रोग्रामर, तो यहाँ पर हमें वो नहीं चाहिए कि वो अपनी डिग्री लेके आ जाते हैं कि मैंने पीएचडी कर रखी है, मैंने ये कर रखा है, वो कर रखा है, उससे कोई मतलब नहीं है। बस तुम्हें आनी चाहिए कोडिंग और तुम्हें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो बस इतना अगर तुम में है तो मुझे डायरेक्टली ईमेल करो या ट्वीट करो, अपनी प्रोफाइल भेजो, मैं तुम्हें हायर कर लूंगा। यहाँ पे C++ और C लैंग्वेज आनी चाहिए और इसी के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हांगकांग के एक इंजीनियर जिनका नाम है जुकाई वैंग, उन्होंने एक ऐसा सोर्स तैयार कर दिया है जिससे सिर्फ पानी की एक बूंद से, जिसको आप 15 सेंटीमीटर से फेंकोगे उस डिवाइस के ऊपर, तो वो करीबन 140 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा जो कि 100 एलईडी बल्ब्स को जला सकते हैं। और कहा जा रहा है कि इसको अगर बारिश वाले एरिया में लगाया जाए जहां पर बारिश ज्यादा होती है तो वहां पर आपको कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी। अब यहां पर कहा जा रहा है कि अब इसका एक बड़ा मॉडल तैयार किया जाएगा तो इससे हम और भी कई गुना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए इस तरीके के प्रोटोटाइप कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में हमको अम्ब्रेला में देखने को मिल जाएंगे, शिप्स पे देखने को मिल जाएंगे और इसी के साथ साथ कोस्टल एरिया के नजदीक इनको लगाया जा सकता है। इससे बैटरी भी चार्ज की जा सकती है बारिश की बूंदों से और इसी के साथ साथ ये समुद्र के पानी से भी चलाया जा सकता है। आप में से बहुत लोगों के दिमाग में एक सवाल तो जरूर उठता होगा कि अगर समुद्र सूख जाए तो कैसा होगा। वैसे तो ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि पृथ्वी का इकोसिस्टम कुछ इस तरीके का है कि समुद्र में से जो भाप बन के पानी उठता है उससे बादल बन जाते हैं जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं बरस जाता है और बरसने के बाद में नदियों के जरिए वो वापस समुद्र में आ जाता है, तो ये एक बैलेंस बना रहता है। लेकिन अगर कहीं किसी तरीके से ऐसा हो जाए कि पृथ्वी सूरज के बहुत ही ज्यादा पास चली जाए या सूरज पृथ्वी के पास आ जाए जिसकी वजह से समुद्र का पानी उबल के भाप बन के बस हवा में ही रहे, जिस तरीके से किसी पतीले में पानी भरने के बाद में उसे गर्म करके हम भाप बना के उड़ा दे, खाली कर दे, तो तभी समुद्र खाली हो सकता है ऐसे ही, वरना ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी नासा ने एक वीडियो सिमुलेटर के जरिए ये बताने की कोशिश करी है कि अगर समुद्र सूखता है तो किस तरीके का नजारा आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि आपको मालूम होगा कि ट्रैफिक के नए रूल आने के बाद में चालान का प्राइस काफी ज्यादा हाई हो चुका है, जिसकी वजह से लोगों को अपनी बाइक से महंगा तो चालान पड़ जाता है। मतलब बाइक अगर 25,000 की वैल्यू की रह गई है तो चालान 50,000 का भरना पड़े तो आदमी क्या करे। लेकिन यहीं पर जेफ बेजोस का भी चालान कट चुका है करीबन 12 लाख रुपए का, लेकिन ये इंडिया के अंदर नहीं कटा है बल्कि यूएस के वॉशिंगटन डीसी में कटा है, जहां पर उन्होंने ओल्ड टेक्सटाइल म्यूजियम खरीदा है करीबन 23 मिलियन US डॉलर का, जिसको रिनोवेट करवा रहे हैं वो करीबन 12 मिलियन यूएस डॉलर में। तो यहाँ पर उनकी जितनी भी गाड़ियाँ थी वो रोड पर खड़ी थी और रोड पर खड़ी होने की वजह से लोगों को दिक्कत हुई, जिसकी वजह से उनकी कंप्लेंट हुई और कंप्लेंट होने की वजह से सभी गाड़ियों को पार्किंग टिकट दे दिया गया, जिसकी वजह से टोटल चलान उनका बैठा करीबन 16,840 US डॉलर का, जिसको इंडियन करेंसी में अगर कन्वर्ट करते हैं तो होते हैं करीबन 12 लाख रुपए। तो ये हमारे लिए तो बहुत बड़ी रकम हो सकती है, लेकिन दुनिया के सबसे अमीर आदमी के लिए क्या होगा? मतलब जेब में से कुछ चिल्लर गिर गए, कुछ ऐसी बात होगी उनके लिए।
एक वीडियो जो मैंने बनाई थी जिसमें बताया था कि फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी किस तरीके की होगी, तो वहां पर एक बात और बताई गई थी कि मोबाइल फोन आपकी कार की बनेंगे। तो कार मैन्युफैक्चरर भी इसी पर काम कर रहे थे, जहां पर एप्पल की जो iOS 13.4 की अपडेट होगी, शायद उसमें आईफोन या फिर एप्पल वॉच ऐसी बन सकती है जो कि आपकी कार की बन जाएगी। ऐसे नहीं कि वैगनार को जो कि चाबी से खुलती है उसको कोशिश करो, नहीं, उसमें ऐसा नहीं होगा। लेकिन कई कारें जो कि हैं इस तरीके के फीचर से लैस, तो उनके साथ में ये अपडेट शायद काम करेगी। अब यहीं पर अगर आपको कोरोना वायरस की अपडेट चाहिए कि कितने लोग मर गए, कितने लोग रिकवर कर गए और किस किस कंट्री के अंदर ये फैल चुका है, तो इस वेबसाइट पे आप जा सकते हो, जहाँ पर लाइव पता लग जाता है कि कौन सी कंट्री इससे इन्फेक्टेड हो चुकी है और कौन सी नहीं और किस कंट्री के अंदर कितने केसेस पाए गए हैं। इसी के साथ साथ एक इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ गई, जहाँ पर एक इंस्टाग्रामर चाह रहा था वायरल वीडियो, जिसके लिए उसने चिल्लाना शुरू कर दिया फ्लाइट के अंदर कि मैं चाइना से होके आ रहा हूँ और मैं भी शायद इन्फेक्टेड हूँ कोरोना वायरस, जिसकी वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ गई थी उस फ्लाइट की। तो फिलहाल के लिए कोरोना वायरस के चक्कर में लोग थोड़ी सी वायरल वीडियो बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से चलो इसी के सारे कुछ फॉलोवर वगैरह बढ़ जाएं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम ही नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।